साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आपे गुरचेला नगर कीर्तन अज तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब तो रवाना हो चुका है। वक् वक् पड़ावा तो हुंदा होया ए नगर कीर्तन तख्त श्री दमदमा साहिब विखे संपूर्ण होगा। इस दौरान जगह जगह ते पड़ा अते संगत दे रहायश लई प्रबंध किए गए ने। इसे लड़ी तहत ही 12 जनवरी नूं नगर कीर्तन गुरुद्वारा मैदियाणा साहिब पातशाही 10वीं विखे पहुंचेगा अते इत्थे संगत रात दा विश्राम करेगी। इलाके दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर सरदार गुरचरण सिंह गरेवाल वल्लों गुरुद्वारा मैदियाणा साहिब विखे पहुंच के सारे प्रबंधकी कार्यां दा जायजा लिया गया अते उन्हां इस मौके संगत दे उत्साह अते हो रहियां तैयारियां बारे भी दस्या। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखा दी नामवर संस्था जिहड़ी कि धर्म के प्रचार लई मानवता के भले लई अपनियां ड्यूटियां जिहड़ियां समें समें निभाउंदी आ। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित आपे गुरचेला नगर कीर्तन जो कि अज 10 तरीक नूं आनंदपुर साहब तो आरंभ होया तो अगे चलते चलते इत्थे असीं जिथे खड़े हाँ जिस स्थान पर खड़े हाँ ये दुनिया का एक इतिहासिक स्थान है गुरद्वारा मैदियाणा साहब जिथे तुसीं देख रहे हो कि दूर दूर तो दुनिया आ के जिहड़ी संगत इतिहास नूं जिहड़ा लाइव देखदी है। सो गुरद्वारा मैदियाणा साहब के जिहड़े मुख प्रबंधक बाबा कुलवंत सिंह जी साढ़े नाल ने ते इस हलके दे श्रोमणी कमेटी दे हलका इंचार्ज एस आर कलेर साहब साबका MLA साढ़े नाल ने साढ़े गुरद्वारा गुरुसर दे मैनेजर ते साढ़े प्रचारक साहबान जिहड़े कि अज इस समय गुरद्वारा मैदियाणा साहब विखे 12 तरीक नूं आलमगीर साहब तो 11 नूं चुल के नगर कीर्तन जिहड़ा वा इह पिंडो पिंडी हुंदा गुरु गोबिंद सिंह मार्ग तों 12 तरीक रात नूं गुरद्वारा मैदियाणा साहब विखे पहुंचेगा जिस दे रहायश दे प्रबंध सारे जिहड़े लोड़ींदे प्रबंध जिथे बाबा कुलवंत सिंह जी आप देख रेख कर रहे हैं उत्थे साढ़े हल्के दे इंचार्ज एस आर कलेर साहब भी इस विच वड्डा सहयोग कर रहे हैं जिथे संगतां नूं इस गल लई चेतनता पैदा की जा रही है उत्थे सारे रस्तियां विच संगतां वल्लों जिहड़े है स्वागत दे गेट भी लग रहे ने लंगर लग रहे ने सारे प्रबंध हो रहे ने। तो 12 तरीक नूं इत्थे गुरद्वारा मैदियाणा साहब विखे जिहड़ा नगर कीर्तन विश्राम करेगा 13 तरीक नूं इत्थों चल के जैतो पहुँच के जिहड़ा अगला अपना वो होएगा। तो अज दी जिहड़ी मीटिंग है इत्थे सारे जिहड़े प्रबंध है बड़े सुचारू प्रबंध इत्थों दे जिहड़े आ गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों जिहड़े गुरद्वारा मैदियाणा साहब वल्लों बाबा कुलवंत सिंह जी ने कीते आ। सो आप सख संगत नूं इह बेनती है अपील है कि इस जिहड़े मार्च विच दे दर्शन करके जिहदे नाल शस्त्र गुरु साहब जी दे वह भी नाल इत्थे आ रहे हैं तो ये जिहड़ा एक प्रचार की वड्डी एक वहीर आ जिहड़ी वह जिहड़ी कढ़ी जा रही है जिहड़ी दमदमा साहब विखे जिहड़ी आ 15 तरीक नूं पहुँचेगी। सो ये जानकारी आप सब संगत की हाजिरी विच असीं रख रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी जो आनंदपुर साहब तो आपे गुरचेला नगर कीर्तन की रवानगी हो चुकी है वो साढ़े को 12 तरीक न गुरद्वारा मैदियाणा साहब विखे विश्राम करेगा। असी बहुत ही आपदे आप भागा समझते हाँ कि दशम पातशाह दे तखत तो जो नगर कीर्तन साढ़े को आके विश्राम करेगा और गुरु साहब के शस्त्र वस्त्र नाल होणगे इलाके भी एक बड़ी माण वाली गल आ साडे लई भी असी भी बहुत वड्डी माण वाली गल आ कि सानू सेवा दा मौका मिलिया। असी जिन्ने भी नगर कीर्तन दे नाल प्रबंधक होणगे उन्हां दे सेवा लई
असी बिल्कुल आपदे तन मन धन दे नाल पूरी सेवा करांगे और सारयां नूं बेनती करदे हां 13 तरीक नूं गुरद्वारा मैतरा साहब विखे पहुंचो ता कि आपां इस दी अगे नगर कीर्तन दी रवानगी कर सकी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साडे वास्ते ये बहुत खुशी की गल है कि 12 तरीक नूं आपे गुरचेला नगर कीर्तन इस साढ़े हल्के प्रवेश कर रहा ते 13 तरीक नूं इत्थों इस जगह तो विश्राम करन उपरंत इत्थों अगे रवाना होगा। सो मैं समूह संगत नूं हल्के दी मैं निम्रता सहित बेनती करता कि सारे ही इस महान जो काम हैगा इहदे विच अपना बड़बुंदा योगदान पाउण और गुरु साहिब दीआं खुशियां प्राप्त करन। गुरु साहिब नूं नतमस्तक हो के उन्हां दा आशीर्वाद लिया जाए। समुची संगत जिहड़ी हल्के दी हैगी आ उन्हूं एक बार फिर ये बेनती करता है कि आउंदा जा सकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।